हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है सीमेंस का जो DDC कंट्रोलर होता है उसका, ये जो है PXC4E16 का जो है ये कंट्रोलर है। तो हम लोग देखेंगे ये कंट्रोलर का फीचर वगैरह, इसमें जो है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कहाँ पर कनेक्ट होता है, इसका कनेक्शन जो होता है, इसमें कौन कौन सा जो हमारा टर्मिनल का जो डिटेल है उसको देखेंगे, कौन कहाँ पे कौन सा केबल जो है कनेक्ट होगा, मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताऊंगा। और इसके साथ में जितना भी ये मॉड्यूल लगा है इसके बारे में मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस कंट्रोलर में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है कम्युनिकेशन का 1-2 जो है यहाँ पे देख सकते हैं, कम्युनिकेशन यहाँ से जो है आउट हो रहा है, जो हमारा मेन सर्वर के द्वारा BMS SCADA में जाता है। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं ये BMS के लिए यूज़ किया जा रहा है, यहाँ से आउटपुट हो रहा है। इसका पावर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से इसमें जो है पावर दिया जा रहा है, कंट्रोलर को ऑन करने के लिए 24 वोल्ट AC दिया जा रहा है। तो आप लोग कहीं भी जाएंगे DDC में तो उसको ऑन करने के लिए उसमें जो है सप्लाई दिया जाता है, वो AC हो सकता है या DC हो सकता है, जो कंट्रोलर होता है उसका डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट AC दिया है, इसमें हम लोग DC भी यूज कर सकते हैं, इसका डिजाइनिंग होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं KNX का है, तो KNX का जो कम्युनिकेशन वगैरह जो होता है उसके लिए यहाँ पर KNX से अगर कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर इसमें आप लोग देखेंगे, ये जो है हमारा जो है बहुत से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है या DDC जो होता है उसको कनेक्ट करने के लिए इसमें जो है हम लोग यहाँ से कनेक्शन करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा क्या है कि यहाँ से कम्युनिकेशन का ही है, यहाँ से आउट हो रहा है और अलग अलग मॉड्यूल जो होता है उसका कनेक्शन हम लोग क्या करते हैं इसमें करके यहाँ से कम्युनिकेशन डायरेक्ट आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कंट्रोलर है, तो ये जो है किसी हमारा जो मॉड्यूल होता है छोटा छोटा अलग अलग लोकेशन में अलग अलग इक्विपमेंट जो होता है उसके लिए मॉड्यूल यूज़ किया जाता है। तो वहाँ से जो है ये कम्युनिकेशन आता है और यहाँ से आउटपुट हो जाता है सर्वर BMS वगैरह में। तो ये आप लोग को इतना पता चल गया। अब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से, तो ये जो टर्मिनल है आप लोग देख सकते हैं इसमें खाली है, तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं वोल्ट प्लस और वोल्ट प्लस, तो ये जो टर्मिनल होता है अगर इसमें अगर आप लोग देखेंगे 19 नंबर और 8 नंबर, तो ये स्टार्टिंग का जो टर्मिनल है, तो इस DDC में क्या है 24 वोल्ट जो है DC है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे वोल्ट DC दिया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे U1, फिर ये जो है कॉमन का है, U2, 3 और फिर कॉमन है, फिर U5, 6 और फिर कॉमन, यानी 2 आप लोग देखेंगे टर्मिनल, 1 कॉमन। तो ये जो है इसमें जो है क्या कर सकते हैं इन्वर्सल, ये जो है क्या है इन्वर्सल इनपुट आउटपुट है। अगर इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देखेंगे एक जो है आप लोग देख सकते हैं एक रेड है, फिर इसमें 2 जो है ब्लैक है, यानी 2 कॉमन है, फिर इसमें 2 रेड है और 2 ब्लैक है, एक ही टर्मिनल में 2 ब्लैक है, यानी कॉमन 2 है और एक 2 जो है इसमें जो है अलग अलग टर्मिनल है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं 2 अलग अलग टर्मिनल है, ये कॉमन में 2 है, 18, 19, 2 है और ये 16, 17, 1 में है। आप वैसे देखेंगे ये जो है 20, 21 है और 22 और 23 अगर आप लोग देखेंगे तो इसी में, तो यानी कॉमन के लिए 1 टर्मिनल और 2 उसके लिए अलग अलग जो है हमारा जो फील्ड का डिवाइस है उसमें कनेक्शन हो। ये जो है इन्वर्सल क्या है हमारा पोर्ट है, तो इन्वर्सल पोर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट दोनों डाल सकते हैं। और जो है यहाँ पे कॉमन के लिए एक टर्मिनल जो है इसमें 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं और अलग अलग 2 टर्मिनल का जो है एक ही टर्मिनल जो है कॉमन यूज किया जा रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है 2 टर्मिनल के लिए एक जो टर्मिनल है इसमें 2 कॉमन आके 2 अलग अलग टर्मिनल का जो कॉमन पॉइंट होता है वो हमारा कॉमन का केवल कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो है हमारा जो यूनिवर्सल पोर्ट होता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 0 to 10 वोल्ट 0 to 5 वोल्ट या हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें 4 to 20 mA दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा यूनिवर्सल पोर्ट हो गया जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों डाल सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 18 और 29 आप लोग देख सकते हैं इन आउट हो रहा है, यानी यहाँ पे ये जो पोर्ट है ये जो है हमारा AC का है, 24 वोल्ट हम लोग AC इसमें इन आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें DC के लिए 2 टर्मिनल है, इनपुट आउटपुट यहाँ पे DC होगा और यहाँ पे 24 वोल्ट जो होगा हमारा AC होगा। तो ये दोनों टर्मिनल यहाँ पे AC के लिए यूज किया हुआ है, कोई जो फील्ड का इक्विपमेंट होता है उसको हम लोग AC देते हैं, यानी हम DDC से क्या करते हैं उसको AC दे सकते हैं। वैसे इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो DC हम लोग DDC से किसी इक्विपमेंट को दे सकते हैं, तो उसके लिए ये जो है पोर्ट यूज किया जा रहा है। और इसमें जो है हम लोग 4 to 20 mA और 0 to 10 वोल्ट 0 to 5 वोल्ट जो भी इक्विपमेंट है पूरा कनेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा काम करेगा। फिर नीचे आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो है DO का पॉइंट है, यानी यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये यहाँ पे NONC है, सिंपल सा NONC है। तो ये DO है, डिजिटल आउटपुट जो होता है स्टार्ट स्टॉप के लिए जो हम लोग कमांड डालते हैं उसका है। और यहाँ पे हमारा जो है क्या है एनालॉग इनपुट
और एनालॉग आउटपुट दोनों निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इसके साथ में एक मॉड्यूल लगा हुआ है EXMI 16D, यानी ये D है 16, यानी ये क्या है हमारा डिजिटल इनपुट के लिए है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो एक डिजिटल इनपुट है, सिर्फ इसमें क्या है हम लोग को स्टेटस मिलता है, फील्ड का जो डिवाइस है उसमें से स्टेटस मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है आप लोग देखेंगे एक कॉमन से वायर फील्ड में जाएगा, वो जो है ऑन होगा ऑफ होगा वो आके यहाँ पे 18 नंबर में मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं 17 गया हुआ है और 18 यहाँ पे मिलेगा तो ये लाइट जल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं जल रहा है। तो यहाँ से लाइट जो है आप लोग को जो जलेगा वो हमारा स्टेटस मिलेगा कि वो रनिंग है या ऑफ है, बंद है तो ऑफ है, अगर रनिंग है तो ऑन रहेगा। तो ये सिर्फ आप लोग देखेंगे कनेक्शन जो है आप लोग ऐसे देख सकते हैं, पूरा जो है एक कॉमन का फील्ड में गया है वही जो है रिटर्न आया है, वैसे आप लोग देख सकते हैं वैसे यहाँ पे आया हुआ है। और इसमें जो है आप लोग अगर इंडिकेशन का देखेंगे तो रन का यानी चालू है इसका है, कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, रिसीव हो रहा है इसका है, ये जो है पूरा इसका स्टेटस जो है ये पूरा कम्युनिकेशन का यहाँ पे मिलता है। डिजिटल आउटपुट जो है क्या होता है कि जो भी हम लोग किसी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करते हैं उसको कमांड देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, या ओपन क्लोज करने के लिए किसी वाल को, डैम्पर को, या कोई भी इक्विपमेंट को हम लोग ओपन क्लोज करते हैं तो हमारा क्या होता है कि डिजिटल आउटपुट होता है, जो हम लोग क्या करते हैं उसको कमांड देते हैं। और वही जो है फील्ड में इक्विपमेंट रनिंग है, ऑफ है, या उसमें कुछ अलार्म वगैरह है, उसका लो हाई का अलार्म वगैरह जो होता है वो आता है हमारा डिजिटल इनपुट में। तो ये दोनों क्लियर हो गया। फिर यूनिवर्सल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारा एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट दोनों डाल सकते हैं, यानी एनालॉग इनपुट में वो इक्विपमेंट होगा जो हम लोग को कुछ वैल्यू देगा, वो जो है मिलियंस में दे सकता है या वोल्ट में दे सकता है, तो वो हमारा यहाँ पर कनेक्ट होगा। और जो है हम लोग कुछ इक्विपमेंट को वैल्यू दे के उसको, जैसे एक MOV है उसको हम लोग 50% पे ऑन करेंगे उसको ओपन करेंगे, या उसमें हम लोग उसको 10% पे 20% पे ओपन करेंगे, या VFD है उसको हम लोग जितना स्पीड चाहिए उस पर हम लोग ओपन करेंगे, तो वो जो कमांड देते हैं वो क्या होता है एनालॉग आउटपुट में, यानी कुछ वैल्यू हम लोग उसमें देंगे तो एनालॉग आउटपुट होगा, और जो फील्ड का इक्विपमेंट हम लोग को कुछ वैल्यू देगा तो वो क्या होगा एनालॉग इनपुट होगा। तो ये आप लोग को पता हो गया। वैसे सेम अगर आप लोग देखेंगे अलग अलग यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं टाइप का इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, तो ये जो है ये जितना भी है ये जो है 0 to 10 volt पे काम कर रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 0 to 10 volt पे। और इसमें अगर आप लोग साइन देखेंगे तो ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड बना हुआ है, यानी ये यूनिवर्सल का है, आप लोग देख सकते हैं इसमें भी यूनिवर्सल है और इसमें भी अलग से दिया हुआ है। तो ये जो है 0 to 10 volt पे काम करेगा, और इसमें जो है क्या है ये 0 to 10 volt पे 0 to 5 volt या हम लोग 4 to 20 milliamps कोई भी इक्विपमेंट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग 0 to 10 volt ही जो इक्विपमेंट होगा उसको डाल सकते हैं। या इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि रजिस्टर लगा के जो मिलियम्स का जो हमारा फील्ड का डिवाइस है जो 4 to 20 milliamps में दे रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं DC वोल्ट में कन्वर्ट करके इसमें रजिस्टर लगा के यूज कर सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये यूनिवर्सल में क्या कर सकते हैं एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट दोनों डाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें अलग अलग कनेक्शन था, दो कॉमन था, आप लोग देखें एक टर्मिनल में दो कॉमन यूज हो रहा था अलग अलग, आप लोग देख सकते हैं दो दो है, लेकिन इसमें है आप लोग देखेंगे अलग अलग जो है एक आ रहा है फिर एक जा रहा है, एक आ रहा है फिर जा रहा है, इसमें देखेंगे कॉमन जो है सेपरेट सेपरेट यूज किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है 8 इसमें जो है यूनिवर्सल हम लोग यूज कर सकते हैं एनालॉग इनपुट का या डिजिटल या एनालॉग आउटपुट का। फिर वैसे आप लोग देखेंगे ये डी का है TXMY 16D, इसमें 16 जो है हम लोग क्या कर सकते हैं डिजिटल इनपुट कर सकते हैं, डिजिटल इनपुट इसमें खाली हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका जो है सेपरेट सेपरेट एक जो है कॉमन है फिर जा रहा है, फिर कॉमन है फिर जा रहा है। तो वैसे अगर आप लोग दूसरा देखेंगे TXMY 4D 4 रिले, यानी 4 डिजिटल इनपुट का है और 3 जो है रिले का है, इसमें 7 का है। तो ऊपर आप लोग देखेंगे ये आ रहा है हमारा 4 जो है डिजिटल इनपुट का, और ये जो है आप लोग देखेंगे रिले आउटपुट इसमें दिया हुआ है, तो यानी ये जो है हमारा DO का है, हम लोग किसी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये पोटेंशियल फ्री होता है जितना हम लोग वोल्ट डालेंगे वैसे आएगा। तो इसमें भी जो है हमारा जो है लिमिट रहता है कितना वोल्ट जो है हम लोग एक टर्मिनल पे दे सकते हैं, ये पूरा अलग अलग होता है। तो यूनिवर्सल का ज़्यादातर हम लोग क्या कर सकते हैं 24 वोल्ट या रहता है, लेकिन रिले आउटपुट में रहता है पोटेंशियल फ्री होता है। और DO का जो पॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि उसमें भी लिमिट रहता है 24 वोल्ट या 40 वोल्ट ऐसे दिया रहता है, जो हमारा कंट्रोलर होता है उसके स्पेसिफिकेशन पे रहता है। वैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये 8 यूनिवर्सल का है, 6 ये जो है 16 क्या है आप लोग देख सकते हैं, डी का है ये भी यूनिवर्सल का है। तो इसमें आप लोग देखेंगे यूनिवर्सल में ये जो है रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो जितना भी रजिस्टर है ये जो है 500
ओम का है, तो ये जो है 500 ओम का है, तो ये जो है 0 टू 10 वोल्ट में हमारा 4 टू 20 मिली एम्स जो फील्ड का इक्विपमेंट है उसको ये कन्वर्ट करके क्या करेगा 0 टू 10 वोल्ट में देगा। तो आप लोग को मैं ऑलरेडी बताया कि जितना भी कंट्रोलर है 0 टू 10 वोल्ट पे काम कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है आप लोग देख सकते हैं सेम जो है ये लगा हुआ है। अगर मैं आप लोग को और भी जो है DDC का ऐसा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है मैं आप लोग को दिखाऊँगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 4D और 3 रिले जो ऑलरेडी मैं आप लोग को अलग जो DDC था उसमें दिखाया, और यहाँ पे देख सकते हैं 6 रिले है, आप लोग देख सकते हैं 6 जो है रिले है। तो ये जो है हमारा रिले आउटपुट है, तो सिंपल सा है, 3 ऊपर है और 3 नीचे है, आप लोग देख सकते हैं। इस पर साइन भी दिया है, आप लोग देखेंगे ये डिजिटल इनपुट है, सिर्फ आएगा फील्ड से, आप लोग देख सकते हैं एक एक एरो बना हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिले का जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है दिया हुआ है, और ये जो है डिजिटल इनपुट आप लोग देख सकते हैं पूरा नीचे आया हुआ है। वहीं जो है यूनिवर्सल इनपुट में आप लोग को मैं दिखाऊंगा उसमें क्या होगा कि दोनों एरो ऊपर नीचे रहेगा। ये यूनिवर्सल का पोर्ट है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पूरा में जो है एरो जो है आप लोग देखेंगे दोनों साइड है, आप लोग देख सकते हैं जाएगा आएगा, यानी एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट दोनों के लिए। तो एरो देख के भी आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग सिंपल सा देखेंगे तो आप लोग को मिलेगा DO में ऐसे रिले टाइप का मिलेगा, एनालॉग इनपुट आउटपुट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि जो DDC कंट्रोलर है ये हमारा सीमेंस का, उसके बारे में आप लोग को पोर्ट के बारे में, इसका कनेक्शन वगैरह के बारे में कैसे कहाँ पे क्या होता है पता चला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।